फिर स्वागत है चैनल पर नई वीडियो पे। आज हम सीखेंगे कि जो ट्यूबवेल बोर के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है सब कृषि कनेक्शन वो कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको पहले बता दें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए और बोरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, खतौनी होना चाहिए। बोरिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो ब्लॉक के अंतर्गत टेक्नीशियन द्वारा बनाया जाता है, उसके वीडियो का सिग्नेचर भी होता है, विकास अधिकारी का सिग्नेचर भी होता है। तो वो जितना बनवा लेंगे तो फिर अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप चलेंगे कोई ब्राउज़र खोल लेंगे, चाहे मोबाइल हो चाहे डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो किसी में भी, उसको डेस्कटॉप मोड कर लेंगे। डेस्कटॉप मोड करने के बाद आप इसमें लिखेंगे upcl.org, उसके बाद उसको सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे जैसे देख रहे हैं सर्च करने पर हमारा डैशबोर्ड खुल गया है, इस पर चले जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ कनेक्शन सेवाएं हैं, तो इसमें नए विद्युत कनेक्शन झटपट के लिए है जो 1 किलोवाट 2 किलोवाट अगर कमर्शियल अगर होता है तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे नलकूप हेतु विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन करें, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ खुलने के बाद देखिए दो ऑप्शन दिखा रहा है, निजी नलकूप हेतु विद्युत संयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन और हैं ऑफलाइन 2019 के पहले के लिए। तो हम इस वाले पर क्लिक करेंगे, निजी नल के नलकूप हेतु नए विद्युत संयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन, इसे हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चलाएंगे डैशबोर्ड पर, तब यहाँ पंजीकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए लिखा है नए पंजीकरण हेतु, यहाँ क्लिक करें, क्लिक कर लेंगे। यहाँ नाम भरेंगे, जो डेटा बर्थ भरने के लिए देखिए यहाँ सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी सिलेक्ट करके डेटा बर्थ भरेंगे वो हो जाएगा। फिर यहाँ ईमेल आईडी कोई ज़रूरी नहीं है, फिर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर यहाँ कैप्चा फिल करके फिर पंजीकरण रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो आपको जो नंबर दे रहे हैं उस पर यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा। अब चले जाएंगे यहाँ से बैक लॉगिन पर, तो हम यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे, फिर कैप्चा फिल करके फिर लॉगिन कर लेंगे। तो हम फिल करके आएगा प्रोसेस दिखाते हैं। तो देखिए हमने यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा फिल कर लिया, फिर लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड चले जाएंगे, यहाँ देखिए वर्तमान चरण भी है, तो यहाँ इस गो टू स्टेप चरण पर जाकर क्लिक कर देंगे। यहाँ कुछ डाटा फिल किया रहेगा, जैसे नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, या पिता का नाम भरेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी और वैकल्पिक नंबर जरूरी नहीं है, पताचार का पता भर देंगे जो उनका पता होगा, जो ब्लॉक है उनका ब्लॉक। इसके बाद जिला चूज कर लेंगे, फिर जो गाँव है यहाँ से गाँव लिख देंगे, या चेक मार्क पर क्लिक कर देंगे, जो फिल करेंगे ऑटोमेटिक दूसरे के वाले कलर में हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ से फ़ोटो भी अपलोड हम कर लेते हैं। तो देखिए हमारा फोटो भी अपलोड हो गया है। अब नीचे कुछ विकल्प बाकी हैं, तो यहाँ से हम फिर स्थल का जो पता है उसको भर लेंगे। फिर जनपद चुन लेते हैं, फिर तहसील चुन लेते हैं, फिर गांव का नाम, उसके बाद देखिए विद्युत खंड का विवरण है। अगर यहाँ आपको जानकारी है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ क्लिक करके आप खोल सकते हैं। फिर विद्युत का सही पूर्ण जमा है कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना है, सामान्य योजना है, तो हम पूर्ण जमा योजना पर क्लिक कर लेते हैं। फिर लोड कितना है, लोड यहाँ 3 HP लिखेंगे, 3.5 लोड HP में है, इसको यहाँ 3 देंगे। कितना जमीन की सिंचाई करनी है, सिंचाई किसी मदद से की जा रही है कि नहीं की जा रही है, मोटर स्थापित हो चुका है नहीं, उसके बाद बोरिंग हो चुकी है नहीं। यहाँ पर देखिए 1000 मीटर लिख देना जरूरी है, क्योंकि कम से कम आपका 1000 मीटर से दूरी ही नहर से जो दूरी है 1000 मीटर की दूरी कम से कम होना चाहिए, तो यहाँ 1000 लिख देंगे। फिर जो पाइप का व्यास है, टनरी की लंबाई है, इसको 20, 25, 30, 40 से ऊपर नहीं रखेंगे। अब बोरिंग जो गहराई है 200 से 300 से 400 से, कोई उद्योग स्थापित है कि नहीं है, अगर है तो कमांड क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, इसको नहीं कर देंगे और इसको नहीं कर देंगे। अब यहाँ अपलोड करने की बारी है, सबसे पहले पहचान पत्र अपलोड कर देंगे, तो हम पहचान पत्र में से आधार कार्ड हो गया इसको अपलोड कर दिया। उसके बाद जो
खतौनी है, इसको हम खतौनी को अपलोड कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान दें कि जिसमें समस्या होती है तो हम उसका रीनेम करके जो भी फाइल रहेगी, जो आधार कार्ड हो गया, खतौनी हो गया, बोरिंग प्रापर्ट हो गया, उसको हम 1, 2, 3 सीक्रेट नंबर से लिख देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज़, इसकी साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 MB से कम का ही कर लेंगे तो बोरिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ से आप दर्ज करके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा दर्ज किया, हमारा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब देखिए 100 रुपये का भुगतान करना है तो हम प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करके क्लिक करेंगे। अब 3 तारीख का चयन करेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर भुगतान वाले पर क्लिक कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान दें कि पहली बार जब फेल हो जाता है तो उसको दोबारा फिर 8 घंटे बाद कर सकते हैं। तो आप से नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, क्यूआर कोड से, वाले से, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, तो हम क्यूआर कोड के माध्यम से कर रहे हैं। तो देखिए हमारा भुगतान सक्सेसफुल हो गया है। अभी यहाँ से शो नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है सक्सेस होने में। तो जैसे ही सक्सेस होता है फिर आएगा प्रोसेस दिखाने के, हमारा सक्सेस हो गया, रिडायरेक्ट हो रहा है। तो हमारा देखिए भुगतान सक्सेस, यहाँ से आपका भुगतान सफल प्रूफ हो गया है, हो गया। फिर यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, हम चले जाएंगे इस चरण नंबर 2 करें, थोड़ा सा साइड स्लो काम कर रही है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको पोस्ट कर देते हैं। साइड थोड़ा डिस्टर्ब चली इसलिए हम बताना चाहेंगे कि आएगा प्रोसेस क्या होगा, इसको प्रोसीड कर देंगे। जो निरीक्षण की जो तारीख आप दिए रहेंगे उस तारीख पर संबंधित जो अधिकारी होंगे आएंगे, निरीक्षण करेंगे, जाँच कर रिपोर्ट लगा देंगे। उसके बाद आपको दूसरा पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा पेमेंट करने के बाद आपको स्वेच्छा निदेशालय का चालान फीस जमा करना होगा। उसके बाद आपका सक्सेसफुल चरण 10 नंबर तक पूरा हो जाएगा। तो सर बारी बारी से आपका हो जाएगा। इसी प्रक्रिया करने में बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। आप पहली बार करेंगे तो 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, दूसरी बार करेंगे तो लगभग 2700 के आसपास देना पड़ता है। तो इन दोनों पेमेंटों को करने से आपका लगभग 3,3200 में सारा काम हो जाएगा, 3500 में, क्योंकि जो बोरिंग सर्टिफिकेट बनाएंगे उसमें भी बनाने में कुछ आने जाने में खर्च लगेगा ही। तो इस तरह से आप जो 10,000-15,000 रुपये देते हैं किसी कराने के लिए, तो आप 3,500-4,000 में आप आसानी से करा सकते हैं अपने आप खुद से। तो जैसे देखिए अभी तक घूम ही रहा है, हमारा साइट का भी डिस्टर्ब चल रही है, थोड़ा तो सर्वर की समस्या है, तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। जैसे ही प्रोसीड कर देंगे तो आपको और सारा डिटेल दिखाने लगेगा, और उसके बाद आप अगले चरण में बढ़ते जाएंगे। जब अधिकारी निरीक्षण का रिपोर्ट लगाते हैं उसके बाद आपको दूसरा बार पेमेंट करना पड़ता है। फिर तो हम इसी पर वीडियो को अपने समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।